वेलकम बैक टू जुल्फी किचन एंड ब्यूटी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट ओट्स ऑमलेट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इसको बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए प्रिपरेशन में चलते हैं। ये देखें दोस्तों, मैंने यहाँ पे सफोला मसाला ओट्स का सेशन लिया है 38 ग्राम्स का। मसाला ओट्स कहते ही आप तो समझ ही चुके होंगे कि इसमें सारे मसालों का स्वाद रहेगा। तो कुछ मैंने चॉप करके रखे हुए हैं ऑनियन, हरा धनिया, हरी मिर्च और टमाटर। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए एक छोटा सा मिक्सर जार लेके इस सैशे को उसमें डाल देते हैं। इसमें 4 से 5 तक ड्राइड ग्रीन पीस रहते हैं दोस्तों, उनको निकाल के सेपरेट कर देना है। इस तरीके से अब इस पाउडर को अच्छे से मिक्सी चला के फाइन पाउडर जैसा रेडी करना है। बिल्कुल इसी तरीके से एक मिक्सिंग बाउल लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। इसमें 1/2 कप दूध गर्म करके ठंडा किया हुआ है दोस्तों, ये इसको डाल के पेस्ट जैसा बना लेके पहले इसमें ड्राई ग्रीन पीसेस को डाल देते हैं और कुछ हरा धनिया चॉप करके डाल देते हैं, एक मीडियम साइज का टमाटर को चॉप करके डाल देते हैं और एक ग्रीन चिली को भी साथ में चॉप करके डाल देते हैं। याद रखिए दोस्तों, ऑनियन 1 मीडियम साइज का डाला है मैंने, इसको बहुत अच्छे तरीके से चॉप करके डालना है। अब मैंने यहाँ पे 2 अंडे लिए हैं, इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल रही हूँ और 1/4 टेबल स्पून पेपर पाउडर को डाल के इसको अच्छे से मिक्स करना है दोस्तों। काली मिर्च का पाउडर है ये, और इसको पहले से जो ओट्स मसाला का बैटर रेडी किया है उसमें डाल देते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करते हैं। इन सबको 1 मिनट तक मिक्स करना है दोस्तों, तभी ये सब अच्छे से मिक्स होएंगे। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या और चलते हैं। मैंने स्टोव ऑन करके पैन को रख दिया है और इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल को डाल दिया है। ऑयल थोड़ा हीट होने के बाद इसमें जो हमने ओट्स का बैटर रेडी किया था इसको डाल देना है, एक ही साथ में सारा डाल देना है दोस्तों। अच्छे से डाल देने के बाद इसको इवनली अच्छे से स्प्रेड कर लेना है। ढक्कन ढक के 5 से 7 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाना है दोस्तों। तो 6 मिनट हुए हैं दोस्तों, माशाल्लाह देखिए ये अच्छे से कुक हो चुका है। इस तरीके से हल्के से टर्न कर लेते हैं। अब बिना ढक्कन ढके हुए इसको पकाना है दोस्तों। अब ढकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, 3 से 5 मिनट तक ये लो फ्लेम पे ही अच्छे से कुक हो जाएगा दोस्तों। ये अच्छे से कुक हो चुका है तो स्टोव ऑफ कर देते हैं और सर्व करते हैं। ये देखिए दोस्तों, बहुत ही स्वादिष्ट, टेस्टी और लाजवाब नाश्ता 10 मिनट भी नहीं लगे हैं कुक हो चुका है। आप भी इस मिनटों में बनने वाली हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना तो बिल्कुल मत जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर। बाय।